सर काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी लोग काफ़ी शौक है सर, आप क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? देखिए ये भाभी जी घर पर है, सीरियल के लिए बहुत गहरा आघात है हम लोगों के लिए। हमारी टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर जो कि हमारी टीम का एक अभिन्न अंग था, वो आज सुबह सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गया। और जवान आदमी 41 इयर्स का, जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी फिटनेस देखकर, हम कुछ नहीं है उसके सामने जितना फिट वो था। लगातार जिम करना, उसके बाद क्रिकेट खेलना, और एक ना कोई ऐब है, ना शराब ना सिगरेट, कुछ भी नहीं, एकदम सात्विक भोजन करने वाला इंसान अचानक सुबह सुबह 7 बजे क्रिकेट खेलते हुए कोलैप्स कर जाता है, ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि रात 9 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे और आज हमारा 9 बजे का ही कॉल टाइम था। सुबह सुबह जो है फिर दुखद खबर हमें मिली कि हम एकदम टूट गए, एकदम टूट गए। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था, अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले। क्या आपकी कब लास्ट बातचीत हुई, कुछ कहना चाहोगे? लास्ट बातचीत कल रात को ही तो हुई, कल तो सारा दिन हम साथ थे। हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे, कल हम 3-4 एक्टर्स ने मिलके एक वीडियो और है, वो अपलोड आज करना था हमको, वो भी बना हुआ रखा है, वो भी उसी का आइडिया था। और खूब हंस रहे थे, बोल रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे हम लोग, तो हमें पता ही नहीं था कि ये आदमी कल हमारे साथ रहेगा ही नहीं। और वो भी इतना स्वस्थ आदमी, ये सोचकर ज़्यादा ताज्जुब होता है कि आजकल ये हो क्या रहा है। कोई आदमी जिम करते हुए चला जा रहा है, कोई साइकिलिंग करते हुए चला जा रहा है, कुछ खेल के मैदान में चला जा रहा है, और कोई ऐप भी नहीं, कुछ नहीं, तो ये क्यों हो रहा है? सर ये काफ़ी बहुत बड़ा लॉस है भाभी जी के लिए, नहीं काफ़ी हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान है, किस तरह से देखते हो सर आप? देखिए मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि हालांकि स्थितियां पहले भी थी, लेकिन कोविड के बाद से जो स्थितियां पैदा हुई है ना, उसने बहुत सारे लोगों का, सिर्फ हमारा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ाया है। क्या है कि पैसे भी कम हुए लोगों के अचानक से, 10-15% कम, उसके बाद EMIs का बोझ होता है लोगों के सर के ऊपर बहुत ज़्यादा। मुंबई वैसे ही एक स्ट्रेसफुल नगरी है, और हमारी जो लाइन है मतलब वो वैसे ही अनसर्टनिटी से भरी पड़ी है। बहुत सारे लोग बेचारों के, जिनके प्रोजेक्ट अच्छे भले चलते चलते अचानक कोविड के दौरान बंद हो गए, उनको बेचारों को पैसा नहीं मिल रहा है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये सारा जो स्ट्रेस लेवल है ये बहुत बढ़ा है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोगों का दिख गया, कुछ लोगों का नहीं दिखा, वो स्वस्थ रहे लेकिन वो इस तरीके से निकला। हो सकता है शायद वो किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो जो वो हमसे शेयर ना करना कर पा रहा हो, क्या पता कुछ होगी ऐसी चीज़। कई बार होता है आदमी जो है, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या नहीं, ऐसा नहीं, बोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए, क्या कर लेगा कोई यार, तो यही विचार हो सकता है ये हुआ उसके साथ। सर काफ़ी दुखद घटना है, एक ऐसी घटना, काफ़ी शौक है हम सभी लोग, शराब क्या कहना चाहते हैं, हमसे ज़्यादा किसको सदमा पहुँचेगा। हमारी तो गेम टी थी और खान हमारे गेम का हिस्सा थे, और साथ में उठना बैठना खाना पीना, मतलब महीने में 20-22 दिन एक साथ रहना, मतलब इतना घर वालों के साथ खाना नहीं खाया, पिछले 6-7 साल हमने साथ खाना खाया, बेहतरीन शख्सियत थी, यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए। कहना चाहोगे कि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी डाला था सोशल मीडिया पे, आपकी कब
लास्ट टाइम बातचीत हुई उनसे? कल ही शूट था हमारा, आज 1 बजे का कॉल टाइम था, हमें आज 1 बजे मिलने वाले थे। कल शूट पहला सीन था हम सबका, कल भी रील वील बनाई थी, मस्ती करी थी, बहुत अच्छे अच्छे सीन होते थे। आज के टाइम में नंबर 1 शो है और TMP को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारी जोड़ी को। बस यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी वो हमारे बीच से चले गए, कैसे यकीन करूँ। मेरा अभी तक यकीन नहीं हो रहा, सुबह से मैं यहाँ आया हूँ, जैसे पता चला पहले भक्ति विधान गए, फिर हम उनकी सोसाइटी में आए, फैमिली का वेट कर रहे हैं, उनकी दिल्ली से फैमिली आने वाली है। बस सब्र दे उनके परिवार वालों को, बच्चे को देख कर दिल देखने का वक्त था, हरियाली देखने का, खुशियाँ देखने का, और चले गए। कुछ बताना चाहूँ क्या कुछ हुआ अर्ली मॉर्निंग? जैसा फ़ोन आया और वो जो साथ में सोसाइटी में खेल रहे थे, उन्होंने बताया कि एक ओवर किया, उसके बाद कैप उठाने के लिए बड़े ज़मीन से खड़े हुए तो बॉडी कोलैप्स कर गई, गिर गए ज़मीन।